कंजूस कहीं के हैं, अभी बैठी होती ना गर्लफ्रेंड, तो पता नहीं क्या क्या खिलाते उसको। ठंड हो तो सही पहले गाड़ी चला लो, नहीं तो अभी पता चलेगा मैं खुद ही चला के ले जा रही हूँ। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए वैसे। तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर मैं क्या कहता, मैं खुद ही चला के ले जाऊँ गाड़ी, ऊपर पहुँचा दूँ अभी इधर उधर है। ऊपर तुम खुद तो ना पहुँचाओ, दूसरों को ऊपर पहुँचाओ। ऊपर तो ना ऊपर जाओ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग। सो आज है सोमवार और मैं जा रही हूँ आज मंदिर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं जा पा रही थी, मुझे जाना था लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी और कुछ तबीयत भी ख़राब थी तो इसलिए नहीं जा पा रही थी, लेकिन मैं अब जा रही हूँ और मैंने सारा काम वाम कर लिया है, साफ़ सफाई नहा धो ली और मैंने घर में भी पूजा कर ली है, अब जा रही हूँ मैं मंदिर। तो भाई घर में तो पूजा हो गई है, घर में भी कर ली है पूजा और जय माता दी। अब जा रही हूँ मैं मंदिर क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई। जय माता दी। आ गई अब मंदिर के दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिलता है ना, एक अलग ही सुकून मिलता है मंदिर जाकर और दर्शन करके सुबह सुबह। सो अब देते हैं भाई प्रसाद, प्रसाद मिला है मंदिर से, यूवी के पापा को प्रसाद दे देती हूँ। लो मैं प्रसाद दे रही हूँ, प्रसाद। जय भोले बाबा। फ्रेंड्स हम फ्री हो गए हैं और मेरा मन था थोड़ा बाहर घूमने का आज, तो हम बाहर निकल चुके हैं, देखा आसपास में कहीं जा रहे हैं हम घूमने, और मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना हो रहा है, तो भैया चलते हैं घूमने। देखो मैं मौसम दिखाती हूँ कितना मस्त हो गया है, और ये कर रहे हैं ड्राइविंग, बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा, और मौसम है सुहाना सुहाना, घूमने का तो मज़ा ही कुछ आ रहा है भाई। जो वैलेंटाइन डे मनाने जाएंगे उनके तो मज़ा ही आ जाएगा, आज नहीं है लेकिन कल है, ऐसा ही मौसम रहा तो बहुत अच्छा मस्त। फ्रेंड्स देखो कितने सारे कबूतर हैं, वाओ कितने सारे कबूतर, कितने सारे हैं, सारे दाना खा रहे हैं, देखो कितने सारे कबूतर, वाओ। और भाई कबूतर इतने सुंदर कबूतर लग रहे थे, लेकिन मुझे उड़ाने का ना मन नहीं किया, उनको मन कर रहा था एक बार सारे उड़ा दो, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर कबूतर। जो कबूतर एक ऐसा पक्षी है सबसे सीधा होता है, पता है वो बहुत सीधा। अच्छा जी तुम सीधे हो, तो पता नहीं कौन से इंसान सीधे होंगे, भगवान नहीं सीधा हूँ एकदम, बहुत जलेबी की तरह।
नहीं सीधे तो पता नहीं कैसे सीधे हो, लेकिन हाँ भाई ऐसे तो हम करते रहते हैं लेकिन सीधे हैं, अच्छे हम करते। सो फ्रेंड्स मुझे तो आज खाने हैं मोमोज, मैंने बहुत टाइम से मोमोज नहीं खाए और ये मुझे खाने नहीं देते मोमोज। जब से यू भी बीमार हुआ है ना तो ये मेरे को भी बंद कर दिया उन्होंने मोमोज, जैसे तो मैं रोज खा रही हूँ। तो आज ही खाने हैं हमने भाई, हम बाहर आए हैं तो कुछ तो खिलाओ, कंजूस कहीं के अभी बैठी होती ना गर्लफ्रेंड तो पता नहीं क्या क्या खिलाते उसको। फ्रेंड हो तो सही, पहले गाड़ी चला लो, नहीं तो अभी पता चलेगा मैं खुद ही चला के ले जा रही हूँ। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए वैसे। तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर मैं क्या कहता, मैं खुद ही चला के ले जाऊँ गाड़ी, ऊपर पहुंचा दूँ अभी इधर उधर है। ऊपर तुम खुद तो ना पहुंचाओगे, दूसरों को ऊपर पहुंचाओ, खुद तो ना ऊपर जाओ। मैं अपने साथ साथ बता रही कितने को ले जाऊंगी भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जाऊं तो मैं खुद ही अकेले जाऊं, मैं बेचारा और को क्यों ले जाऊं, है ना, मेरी वजह से क्यों और दूसरे परेशान हो। सो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ तो कोई वो नहीं है खाने का धर्म, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अच्छी सी जगह पर खाएंगे, ज़रूर खाएंगे थोड़ा सा। और मैंने हम घूम कर आ गए, हम गए थे थोड़ी सी यहीं पे घूमने फिरने, कल जाएंगे घूमने, तो थोड़ा सा मन था, अच्छा मौसम था तो इसलिए चले गए। और भाई आ गए घर, अब करेंगे अपना काम, हमें ना काम कंप्लीट करना है इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम इंजॉय करते और भी ज़्यादा। भाई कल करेंगे इंजॉय, अपनी उनको भी एडिटिंग करनी है और मुझे भी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, तो फिर करते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, चलो आज तो मेरे बच्चे ने खुश कर दिया भाई, पढ़ ले बेटा, इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं ना तो पढ़ाई कर रहा है, यू भी गुड बहुत। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि यू भी मुझे पढ़ते हुए मिला है, और मैं जब गई थी जब ही पढ़ने बैठा था वो, और उसने बहुत सारे सम्स निकाले हैं उसने, मैंने देखा बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका है वो, खाली कॉपी थी, मैंने न्यू कॉपी दी थी इसीलिए उसको ना, देखती हूँ मैं कितना पढ़ेगा। सो भैया उसने बहुत सारे, हाँ तो वो दिखावे के लिए जब हम गए थे तब बैठा था, और नीचे उसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि आ गए तो तभी तुरंत खोल के बैठ गया। तो मेरे बच्चे के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो हमेशा है, चाहे वो बेचारा पढ़ने वाला बच्चा में से दिखता नहीं है वो मेरे को। चुप रहो तुम, फालतू पढ़ रहा है मेरा बच्चा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो, इनको क्या है, ये तो ऐसे ही लगता है इनको तो जैसे पढ़ ही नहीं रहा। बहुत सारे सम्स कर रहे हैं, देखो भाई बच्चों का एग्ज़ाम में ही पता चलता है वो, एग्ज़ाम अब उसके एग्ज़ाम है तभी पता चलेगा वो कितनी पढ़ाई करी है। ऐसा बच्चा कैसा कि पूरे साल ना पढ़े, जब एग्ज़ाम आए तो उसी दिन पढ़े, ऐसी कौन सी पढ़ाई होती पढ़ता है वो स्कूल में पढ़ता है ज़्यादा मत। बड़े आइंस्टाइन का वो पोता है ना वो, और क्या वो है आर्टिस्ट, माँ का आर्टिस्ट बच्चा, माँ नहीं बिगाड़ा है उसको। अच्छा तो अच्छा जी, मैं नहीं बिगाड़ा है, बिगड़े लगता है तुमने बच्चे देखे नहीं है। वो हफ्ते में 3 दिन स्कूल छुट्टी करता है तो नहीं, वो डेली जाएगा वो ना, रिवीजन चल रहे हैं ना तो अभी रिवीजन नहीं, वो एनुअल डे की वो तैयारी चल रही है तो बच्चे कम आ रहे हैं बहुत। यही तो इसी चीजों पर तो पर्दा डालती हो तुम। अब है मेरी ड्राइंग का वक्त और मैं करूंगी अब ड्राइंग। आज मुझे बनाने हैं 3 चीजें, लेकिन देखते हैं कितनी बनती है। और अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं, हम क्योंकि हम बाहर घूमने निकल गए थे तो वहाँ पर हमारे टाइम थोड़ा सा लग गया, कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी बनाती हूँ, बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। और देखो मैंने ये कुछ इतनी छोटी बनाई है, और इसके बाद मुझे 3 चीज़ें और बनानी हैं, अभी इसको भी कंप्लीट करना है, इसकी फिनिशिंग करनी है, तो भाई करते हैं जब तक चाय का टाइम नहीं होता, जब तक तो मैं बनाती हूँ। और वो अपने लगे पड़े हैं एडिटिंग में, हो गई एडिटिंग, चलो
और ये कुछ माज है इधर गेम खेलते हुए, कौन सी टेक्निक वाला इसने कुछ निकाली है तो उसमें कंपैरिजन कर रहा है एक चीज़ को लेके दूसरी चीज़ से। तो भाई करो करो, हम अपना काम करते हैं। हो रहा है एकदम मस्त। और अब यूवी को चाहिए लंच। मैंने ड्राइंग बनाई है अभी और बाद में दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं लंच बनाने आई हूँ। पहले उससे पहले चलते हैं ऊपर कपड़े लेने, क्योंकि हो रहे हैं बादल। चलते हैं ऊपर कपड़े लेने। सो मेरी ड्राइंग देखो मैंने कितनी कंप्लीट की है, और मैंने चोटी भी बना दी और आधी मैंने बंद आई बनाई है, बंद आई ये देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अब भैया हो गया है डिनर का टाइम और अब हम चलते हैं डिनर बनाने। बज चुके हैं 9:30 बज गए और ये दोनों अब डिनर का वेट कर रहे हैं। चलते हैं डिनर की तैयारी करने, 9:30 बज गए। चलो मैं लेके आती हूँ खाना। यूवी इधर आ। क्या देखियो? कोई बात नहीं। अरे हाँ तो सुन तो ले एक बार, इसमें वो डाल दूँ, वो डाल दूँ शहद डाल दूँ, शहद डाल दो, मलाई खाएगा? नहीं मस्त कुछ नहीं होता है इसमें, क्या होता है मलाई में? क्या बहुत कुछ होता है बताओ ना, बहुत कुछ होता है। अरे बताओ, अबे मलाई में बहुत अच्छा होता है, शहद डाल दूँ? शहद शहद पिएगा? शहद कहाँ से आ गया आपके पास? क्यों शहद नहीं है मेरे पास? बताया नहीं। हे भगवान, शहद सुनो दूध में शहद डाल के पी लेता है ना। हाँ ओके, बस चीनी डालनी होती फिर लगता है। तो फिर चीनी ना डालूं? नहीं डालो, तुम डालो। पागल है क्या तू? चीनी भी डाल दूं शहद भी डाल दूं? ये लगता है इसका दिमाग खराब है। एक चीज डलवा बता नहीं क्या डालू, ये पागल है क्या? कुछ शहद और चीनी दोनों चीज डालेंगे इस दूध में? अरे वाह, ये कब बनाए? बेकार। ये देखो गाड़ी बनाई इसने खुद से, ये मेरा खुद का डिजाइन है इसका, देखो खुद का डिजाइन है ये मेरे डिजाइन, ये किसी और कोई गाड़ी नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी है, यूवी ने डिजाइन करी है ये गाड़ी। यूवी लेकिन पीछे का जो पहिया है ये व्हाइट कैसे रह गया? अरे वो मैंने पीछे कलर नहीं करा, ये वाला तो काला है ये व्हाइट है, ऐसे कैसे कलर नहीं करा मैंने? पूरी तरह लग्जरी गाड़ी बनाई है ये तो, वो है ये तो वो है मर्सिडीज नहीं छोड़ो नहीं ऑडी, अरे मेरी गाड़ी है बीएमडब्ल्यू की जैसी, मतलब किसी के जैसे नहीं है, मैंने खुद से बनाई है। तो कुछ तो सोच के बनाई होगी किसी की जैसे बनाई है ना खुद से। अब एक गधे किसी की जैसी तो होगी, किसी के जैसे ही नहीं बनाई मैंने, खुद से सोची, मैं किसी के जैसा नहीं बनाता। तो तेरे को मतलब को अपने आप आ गया अपने कुछ? आप आ गया अपने दिमाग में। अबे पागल, मतलब बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं उनका थोड़ा बहुत तो होगा, शकल तो थोड़ी होगी जैसे किसी की शकल मिलती है। नहीं ऐसा कोई नहीं, किसी की शकल नहीं है ये, अलग ही लग्जरी गाड़ी है। ऐसे कोई नहीं सोचा मैंने, खुद ही बनाई। बहुत मस्त नहीं बेटा, तो मेरे को भी ऐसी ना एक गाड़ी बना के दियो बड़ी, जब तू बहुत बड़ा मतलब वो डिजाइनर बन जाएगा ना गाड़ियों का, तो मेरे को ऐसी असली की गाड़ी चाहिए खुद की भी। और मान लो यूवी ने यूवी के बड़ा हो जाएगा, जब यूवी बड़ा तो हो गया है मतलब जब कुछ कर लेगा, तो जब यूवी की खुद की डिजाइन करी हुई गाड़ी जब पास हो जाएगी तो कितना प्राउड होगा, मतलब कि हमारी ये देखो हमारी यूवी ने डिजाइन करी है, मैं तो पागल सी हो जाऊंगी। ये कभी देखे ये मेरे यूवी ने डिजाइन करी है भाई। बेटा एक बात जरूर सच होती है, पता है। पता नहीं कौन सी गाड़ी डिजाइन कर दे मेरा बच्चा, पता थोड़ी है भाई, है ना? इस गाड़ी के ऊपर ये वाली गाड़ी टकरा गई, इस गाड़ी के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई और ये वाली गाड़ी इसके ऊपर टकरा गई, इसके ऊपर चढ़ गई। ये गाड़ी तो वाली लग रही है जो टैक्सी होती है ना, ये भी टैक्सी तो है ये, और
क्यों तेरे को इसकी नीचे के कैसे पता चल जाते हैं कि अंजर पंजर नीचे कैसे होते हैं देखना इसको कैसे अंदाजा हो जाता है ऐसे गाड़ी ऐसे रखी जाएगी है इसके ऊपर ऐसे चढ़ेगी मतलब वो क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव ये मेरे को बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस है पर्सपेक्टिव की ना तो कोई सी भी एंगल की गाड़ी डिजाइन कर सकता किसी भी एंगल की तू तो कह रहा था मेरे को ऐसी वाली वो वाली नहीं होती ये तो इधर की साइड भी है 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 हाँ, सारे तो एंगल सारे तो एंगल है फिर भी घबरा रहा था टाइम लगता है बस हो जाती है हर टाइप की जल्दी टाइम लगता है लेकिन इधर साइड वाली सारी कर जल्दी कर लेता हूं तब ये थोड़ी बेकार लग रही होंगी ये दोनों अच्छी लग रही है नहीं बिल्कुल तो बल्कि ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है हाय राम ये क्या कौन सा देश में जा रही है तू इंग्लैंड जा रही है क्या दिखाओ कॉलेज जा रहा है मेरा बच्चा दिखा इतना बड़ा हो गया तू हैं कहाँ जा रहा है बाबू कहीं नहीं तो फिर ये बैग लेके कहाँ घूम रहा है तैयार होके हैं बता ये मेरा बैग जूते देखना यूं कह रहा है जूते देखो इसके वो लग रही है वो मिक्की माउस मेरे बाबू इतनी तो प्यारी लग रही है देख रहे इतनी डॉल लग रही है जैसे कोई बारबी डॉल लेके खड़ी है बैग और क्यों हवा कर रहा है बाबू बैग लेके कहाँ जा रही है बता ना है अरे मत कर हवा उसको उसको नहीं गर्मी लग रही रहने दे बाबू अच्छा बैग लेके कहाँ जा रही है तू कहाँ जा रही है फेवरेट अच्छा तेरा बैग फेवरेट है इसीलिए लेके घूम रही है फिर तो घूम फेवरेट है इसका घूम तो फ्रेंड्स मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है मैंने आई बनाई है बंद आई और मैंने एक चोटी बनाई और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा अब भाई सोना पड़ेगा सुबह स्कूल जाना है यूबी को और देखो मैं दिखाती हूँ कितनी बन गई मेरी आँखें देखो कैसी हो रही हैं ये देखो मैंने आँख कंप्लीट कर ली है और भाई टाइम हो गया है कितना 1:30 बज गया और ये सो गए देखो बेचारे सो गए अब भैया मुझे भी सोना ही पड़ेगा अब करेंगे बाकी के ड्राइंग कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरी आँखों की तो बज गई बैंड अब तो सच में मेरी उल्लू की जैसी आंखें लग रही है कोई बात नहीं सो के सही हो जाएंगे तो फिर सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स